हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है नवरात्रि आने वाली है, तो मैं आप सभी के लिए नवरात्रि स्पेशल लेकर आई हूँ, साबूदाना खिचड़ी। इसे बनाना तो आसान है, बट बहुत लोगों की ये बिल्कुल चिपकी चिपकी खिचड़ी बनती है। तो आज मैं वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ आपको, जिससे आपकी जो खिचड़ी है वो एकदम खिली खिली बनेगी। तो इस नवरात्रि में साबूदाना खिचड़ी जरूर ट्राई करें। ऐसी खिली खिली खिचड़ी बनाने के लिए मैंने वीडियो में कुछ टिप्स दिए हैं, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले एक कप साबूदाना लेंगे और उसे 6-7 बार पानी में धो लेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए इसे भिगो लेंगे। एक कप साबूदाना भिगोने के लिए 3/4 कप वाटर का यूज़ करें। साबूदाना को जब तक धोना है, जब तक इसका वाइट स्टार्च जो है वो ना निकल जाए। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं या पीनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने दें और अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया। अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो आप जीरा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी लीव्स। आप चाहें तो करी लीव्स को स्किप भी कर सकते हैं। करी लीव्स और धनिया का सारा फ्लेवर हमारे ऑयल में आ चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली। ये मेरी रोस्टेड मूंगफली है, इसलिए मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं, उन्हें 4-5 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। थोड़ी सी मूंगफली को मिक्सी जार में पीस कर मैंने उनका पाउडर बना लिया है। मूंगफली का टेस्ट साबूदाना में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा पीनट्स पसंद है तो आप थोड़े ज़्यादा पीनट्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चॉप टोमेटो। टमाटर को 4-5 मिनट के लिए पकने दीजिए। कई लोग व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं, अगर आप भी नहीं खाते हैं तो टमाटर ना ऐड करें। टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 आलू। आलू को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहे तो उबले हुए आलू भी यूज़ कर सकते हैं। आलू को थोड़ा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे या फिर ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आलू को पकने देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे आलू पक चुके हैं या नहीं। हमारे आलू बिल्कुल पक चुके हैं। मार्केट में 3 तरह के साबूदाना मिलते हैं, आपको मीडियम साइज़ वाला साबूदाना लेना है। ये देखिए मेरा साबूदाना कितना अच्छा सॉक हुआ है, एकदम खिला खिला। मैंने मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया था और उसको 5-6 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। अगर आप काली मिर्च खाते हैं तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी स्टेज पर आपको पीनट पाउडर भी ऐड करना है। पीनट पाउडर क्या करता है, जो हमारे साबूदाने में थोड़ा सा भी पानी होता है उसको सोख लेता है और हमारा साबूदाना खिला खिला बनता है। अब मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं 3 हरी मिर्ची। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोख साबूदाना। साबूदाना एनर्जी सोर्स है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है, तो व्रत की डाइट में से ज़रूर ऐड करें। साबूदाना को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब तक पकाना है, जब तक इसका जो वाइट वाइट कलर है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। गैस का फ्लेम लो ही रखें। थोड़ा सा नमक और हरा धनिया डाल दें। अब यह देखिए हमारी साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार है। अगर आप भी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी जो साबूदाना खिचड़ी है वो एकदम खिली खिली बनेगी। साबूदाना को अच्छे से वॉश करना है और 3/4 कप वाटर में 4-5 घंटे के लिए अच्छे से सोक करने के लिए रख देना है। मीडियम साइज़ का साबूदाना ही लें, छोटे साइज़ के साबूदाने से जो हमारी खिचड़ी है वो चिपकी चिपकी बनेगी। और तीसरी बात, हमें पीनट पाउडर यूज़ करना है। तो इस नवरात्रि ये साबूदाना खिचड़ी जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।